Welcome to the GK Objective Biology channel. So today we will discuss phylum Ascelminthes. जैसा कि आप देख रहे हो phylum Ascelminthes इसमें से जो सबसे important question है the pseudo coelomate animals. देख रहे हो मतलब कि false coelomate. इसके अंदर pouches की तरह होते हैं ठीक है जी जो तुम्हारी mesodermal pouches बन जाते हैं इसके अंदर इसलिए इसको हम pseudo coelomate बोलते हैं देखो इसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हेंस द नेम राउंड वर्म्स इनको हम कॉमनली राउंड वर्म भी कहते हैं और एक क्वेश्चन डायग्रामेटिकली इसमें आता है स्टेटमेंट देखें कि मेल के अंदर देखो शार्पली कर्व्ड टेल है ठीक है ये देखो अब फीमेल के अंदर नहीं है तो शार्पली कर्व्ड टेल इज फाउंड इन मेल इन केस ऑफ एस्केलमेंथीज राउंड वर्म्स तो ये ध्यान देना कि मेल को और मेल कंपैरेटिवली स्मॉलर देन फीमेल तो ये दो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के रूप में या मैचिंग टाइप के रूप में पूछे जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है दो मैंने बताया एक सीडो सिलोमेट और एक मेल के कैरेक्टर्स जो हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो दे मे बी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल दोनों में हैं निमाटोड इन्फेक्शन इन प्लांट क्लास 12 में पढ़ोगे आप मिलो इडिजाइन इनकॉग्निसिया ठीक है जी तो ये हो गया तुम्हारा पैरासिटिक इन प्लांट्स नेमेटोड्स तो राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम हो गया इनके अंदर अब क्या है दे आर बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं स्यूडोसिलोमेट एकमात्र फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आता है एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स अब देखो जितने भी तुम्हारे पैरासिटिक्स होते हैं ना जो सक करते हैं उनमें मस्कुलर फेरिंग्स होता है मतलब फेरिंग्स का ही रोल है खींचने में तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मस्कुलर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बाहर से निकलेगा वो एक्सक्रीटरी पोर से निकलेगा सेक्सेस आर सेपरेट हैं डायोसियस हैं ठीक है मेल फीमेल अलग अलग हैं आर डिस्टिंक्ट ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही बताया है और ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी बॉडी के अंदर एंड डेवलप मे बी डायरेक्ट द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं तो एग्जाम्पल हैं एस्केरिस राउंड वॉर्म विचरेरिया फिलारियल वॉर्म ये क्या कॉज करता है एलिफेंटियसिस क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म तो ये मैचिंग टाइप में आते हैं राउंड वॉर्म को बोलो एस्केरिस से हुक वॉर्म एनसाइलोस्टोमा से बुचरेरिया फिलारियल वॉर्म तो मैचिंग टाइप में आ सकते हैं तो इससे दो तीन पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें बताए गए हैं तो ये मेल की मॉर्फोलॉजी देख लो टेल देखो कर्व्ड है स्मॉलर है फीमेल से सीडो सिलोमेट हैं और ये एग्जाम्पल्स में कॉमन नाम साइंटिफिक नेम और ये डायोसियस हैं मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड है बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं फ्री लिविंग एक्वेटिक और पैरासिटिक इन बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो